फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल में पंजाब की बहुत ही फेमस रेसिपी सरसों की साग और मक्के की रोटी की। तो जाड़ा शुरू होते मार्केट में हरी हरी सब्जियाँ आने लगती हैं और बहुत ही ये सब फ़ायदे भी करते हैं। तो इन्हें छाटने और काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब इनका रिजल्ट इतना टेस्टी हो तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत कर ही ली जाए। हम बनाते हैं आज पंजाब की फेमस और शादियों में मिलने वाली सरसों की साग और मक्के की रोटी की रेसिपी। आज हम इन्हें कुकर में बनाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट उतना ही लाजवाब होगा जितना कि ट्रेडिशनल तरह से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सरसों की साग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो सरसों की साग ली है, ये पालक है और ये थोड़ी सी मेथी ली है और ये बथुआ लिया है मैंने, और इन सब के साथ में जाएगा ये थोड़ा सा टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। तो अभी ये सब मैंने धो के छांट के सब रख लिए हैं, तो अब हम इनको चॉप कर लेंगे थोड़ा महीन महीन। तो ये देखिए सरसों लिया मैंने, इसको धो के और छांट के रख दिया था बंच बना के इस तरह से, और अब हम इनको इस तरह से चॉप कर लेंगे। तो जो इसमें मोटे मोटे डंठल होते हैं इनको मैंने अलग निकाल दिए हैं, ये देखिए। तो इनको क्या करना है, ये जो इसका छिलका होता है हल्का हल्का सा, इसको हटा देना, क्योंकि हम अगर ये फेंक देंगे तो इसमें काफ़ी विटामिन और इसी में ज़्यादा टेस्ट होता है। तो इसको हम ऐसे छील लेंगे और फिर उसके बाद हम इनको भी ऐसे ऐसे छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। अगर ये सॉफ्ट है तो रख लीजिए और टाइट है अगर तो फिर फेंक दीजिए। तो अब हम इसको ऐसे ही चॉप कर लेते हैं। वैसे तो ट्रेडिशनली बहुत टाइम लगता है सरसों की साग बनाने में, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही इजी सा मेथड बताऊंगी और इससे बहुत जल्दी से सब्जी बन जाएगी और टेस्टी भी उतनी लगती है जितनी कि हम ट्रेडिशनली उसको अच्छे से घोट के बनाते हैं उसी तरह से ही। तो ये जो मोटे मोटे हैं इनको आप तो चाहे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, जिससे ये महीन हो जाए ज़्यादा। सारी सब्जियाँ काट के हम इनको कुकर में रख लेंगे। ये अभी मैंने सरसों काटा है, तो सरसों को हम पहले नीचे रख देते हैं, क्योंकि इसमें जो टाइट वाले डंठल वाले पार्ट है वो नीचे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, और कुछ वो जो ज़्यादा टाइट थे तो उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। इनको डाल देते हैं और अब ऐसे ही हम पालक वगैरह जितनी ली हैं सब्जियाँ सब चॉप करके कुकर में डाल देंगे, और साथ में हम डाल देंगे अदरक, हरी मिर्च, हरी मिर्च 4 से 5 मैंने ली है, और लहसुन, लहसुन इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारी मैंने डाल दी और इसके ऊपर से हम और सब्जियाँ डाल देंगे। मेथी अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको डालने की, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पालक और बथुआ को ज़रूर डालिएगा, उससे इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये देखिए सारी सब्जियां मैंने काट ली हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और इसको हम रख देते हैं सीटी लगाने के लिए। इसमें 3 से 4 सीटी लगा दीजिएगा और उसके बाद फिर गैस को स्लो कर दीजिएगा, स्लो गैस पे इसको 4 से 5 मिनट पकने दीजिए, फिर उसके बाद फिर कुकर को खोलिएगा। तो ये देखिए मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है और अभी फ्लेम को फुल रखा है जब तक ये सीटी आती है, उसके बाद फिर हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो ये देखिए कुकर ठंडा हो गया, अब हम इसको खोल लेते हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स करके देखते हैं। ये देखिए साग हमारी पक गई है। अब हम लेंगे 3 से 4 चम्मच मक्के का आटा, ये मैंने मक्के का आटा लिया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, और इसमें हम पानी डाल के इसकी स्लरी बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे जिससे इसमें लम्स ना बने। मैंने मक्के का आटा जो घोला था इसको हमने इसमें साग में डाल दिया है, और इसको अच्छे से घोट लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा और पानी की जरूरत होगी तो अभी और पानी डालेंगे। आप साग को जो है ना मिक्सी में भी थोड़ा सा चला सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा जल्दी से महीन हो जाएगा और घुट जाएगा, या तो फिर आप इस तरह की मथानी ले लीजिए, ये जो दही फेंटने वाली होती है, इससे आप इसको घोटते जाइए। जो हमने इसमें मक्के का आटा डाला है
तो वो नीचे लग सकता है, इसलिए इसको हम घोटते जाएंगे और चलाते जाएंगे। तो जब तक आटा पक नहीं जाता है तब तक हम इसको घोटते और पकाते जाएंगे। ये जो हमने मक्के का आटा डाला है ये साग को बाइंडिंग करने के लिए हमने डाला है, तो ये जरूरी है इसको डालना। या आप मक्के का आटा डालें, अगर नहीं है तो आप बेसन भी डाल सकते हैं या फिर गेहूं का आटा, तो सबके पास रहता है ये, तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए साग अच्छे से पक गई है, अब हम इसको अलग हटा देते हैं। और आप इसको जो है ना ऐसे बना के 3 से 4 दिन तक के लिए रख सकते हैं, और जब भी खाना है तो इसमें निकालिए थोड़ा सा और इसमें तड़का लगा के खाइए, और बाकी इसको फ्रिज में रख दीजिए। देखिए मैंने कुकर हटा दिया और कढ़ाई चढ़ा ली है, और अब हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल, और आप इसमें मिक्स करके घी डाल सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं। तो देखिए ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और हींग डाल देंगे। हींग इसमें जरूर डालिएगा, इसमें हींग का टेस्ट अच्छा आता है और जरूरी भी होता है। और इसकी देखिए मैंने लहसुन मिर्च और अदरक को क्रश कर लिया, तो इसमें हम थोड़ा सा इसको डाल देंगे। और ध्यान में रखिएगा आपने उसमें भी डाला था साग में, तो उसी हिसाब से उसमें मिर्च डालिएगा। लहसुन तो जितना भी आप डाल खाना चाहें उतना डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने टमाटर को चॉपर में चॉप कर लिया है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और ना इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल दिए, 1 चम्मच नमक डाल देंगे जिससे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, उसमें भी हमने साग में भी डाला था पकाते समय। आप इसमें चॉप किए हुए प्याज भी डाल सकते हैं। टमाटर और मसाले सब अच्छे से भून गए हैं, अब हम इसमें जो हमने पका के रखा है साग, साग को हम इसमें मिक्स कर देंगे। जितना भी आपको बनाना है उतना इसमें डाल दीजिए और बाकी रख दीजिए फ्रिज में, जब मन करे तो उसको बना के ऐसे छोंक के खा लीजिए। तो ये देखिए हमारी सरसों की साग बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहें तो इसमें पानी डाल के थोड़ा सा पका लीजिए। और चलिए अब हम बनाते हैं मक्के की रोटी। की रोटी बनाने के लिए मक्के के आटे का डो लगा लेते हैं। तो ये मैंने 2 कप मक्के का आटा लिया है, आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं जिससे इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। और ये मैंने गर्म पानी लिया है, मक्के के आटे को गूंथने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए तो ये अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ जाती है। इसमें जो है ना नमक और हरी धनिया जीरा वगैरह जो भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो बना लेते हैं। मक्के का आटा ग्लूटेन फ्री होता है तो इसमें लस नहीं होता है, तो इसको लसदार बनाने के लिए या तो आप गेहूं का आटा मिला सकते हैं या फिर इस तरह से गर्म पानी से मिक्स करेंगे तो रोटी बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बन जाएगी आपकी। ये देखिए हमने मक्के के आटे का डो बना लिया है और अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो लीजिए 10 मिनट हो गए, आटा भी हमारा सेट हो गया है। और ये मैंने थोड़ा सा परथन लगाने के लिए गेहूं का आटा ले लिया है, तो अब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम इसको अच्छे से और मसल लेंगे। जब हम रोटी के लिए लोई काट लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी लगेगी, जितनी हम बनाते हैं गेहूं के आटे की उसकी डबल लगेगी, क्योंकि मक्के के आटे की रोटी थोड़ी मोटी ही अच्छी भी लगती है और बन भी पाती है। और मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है, तो इसको अच्छे से हम पहले गोल कर लेते हैं, लोई बना लेते हैं, फिर इसमें हम परथन लगा लेंगे और इसको हम बेल लेते हैं। जो साइड से थोड़ा सा चिटक रहा है उसको ऐसे से सेट कर लीजिए और हल्का सा और परथन लगा लीजिए। और अगर आपको एकदम गोल चाहिए तो किसी चीज से इसको आप कट भी कर सकते हैं। रोटी को मैंने इससे कट कर लिया जिससे कि रोटी एकदम अच्छी सी बराबर सी रहेंगी। और अब हम इसको तवे पे चढ़ाते हैं, तवा अच्छे से गर्म हो गया है और इसको हम डाल देंगे।
और एक तरफ से अच्छी सी चिट्टी आने तक इसको सेंक लेंगे, फिर पलट देंगे। तो तब तक हम दूसरी रोटी बना लेते हैं। नीचे से हल्का सा सिकने के बाद हम इसको पलट देंगे और अब हम इसको भी दूसरी तरफ से अच्छे से सेक लेंगे चित्ती आने तक। ये देखिए दूसरी तरफ अच्छे से चित्ती आने तक हमने इसको सेक लिया है और तवा को अब हम दूसरे गैस पर रख के और इसको हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे। ये देखिए हमारी रोटी एकदम अच्छे से फूल गई है और इसको हम स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे इसको सेक लेंगे, क्योंकि रोटी ये मोटी होती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है सिकने में। और इसको ऐसे और इस तरह से घुमा घुमा के खड़ा करके सभी तरफ से इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए रोटी हमारी सिक गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। इस तरह से हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे तुरंत। जिसको खाना है उसको तुरंत जो है घी लगा के लीजिए, एकदम गर्मा गर्म खाने में बहुत मजा आ जाएगा सबको। या फिर अगर थोड़ी देर के बाद देना तब भी आप घी लगा के रख लीजिए, जिससे इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और रोटी हमारी सॉफ्ट रहेंगी। दूसरी रोटी जब भी बेलिए तो चकले को अच्छे से साफ कर लीजिए, वरना इससे चिपक जाएंगी तो ठीक से बेल नहीं पाएंगे। अब हम इस पे ऐसे परथन लगा के फिर से बेल लेते हैं। तो एक रोटी देखिए मैं आपको ऐसे ही सेक के दिखा रही हूँ बिना कट किए हुए, जैसे मैंने बेली है उसी तरह से। ये भी देखिए कितनी अच्छी फूल गई है। तो आप चाहे जैसे बना सकते हैं, चाहे तो कट करके या फिर ऐसे। ये वाली भी रोटी सेक गई है और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने थाली में रख दिया सरसों की साग और मक्के की रोटी और इसमें हम एक बार फिर से तड़का लगा देते हैं। हमारी मक्के की रोटी और सरसों का साग बनकर तैयार है। इसको आप प्याज के साथ, हरी मिर्च और गुड़ के साथ में सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगता है। और ये हमने एक बार फिर से तड़का लगा लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन आएगा उसे जरूर प्रेस कीजिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।